मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने देखा ही नहीं भाई। मैं एक समय मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं ऐसी सब कुछ आपको झांकी दिखा रहा हूँ लिक्विड से। तो ये अभी क्या बन रहा है, ये हॉरर वाला भी कुछ कुछ पार्ट यहीं से गया है। जैसे वो देखो आप पिछले सब, आपको इस बार राजनांदगांव में सब झांकी देखने को मिलेगा ये सब। नमस्कार, जय श्री राम। होपफुली काफ़ी अच्छे होंगे। और आप लोग का एक ठोकी आप ही लोग का एक ठोक कमेंट था और उससे ही रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। और गणेश चतुर्थी के समय और राजनांदगांव में झांकी निकलती है और भव्य झांकी निकलती है। और उसी से मतलब भाई ने कमेंट किया था कि जो राजनांदगांव में जो झांकी निकलती है वहाँ का एक मतलब वीडियो बनाओ, जो अंजोरा में इसका कारखाना है। तो भाई अभी मैं वहीं पहुँच गया हूँ अंजोरा में, प्रलय आर्ट्स, जहाँ की यहाँ से भी मतलब ऐसे नहीं कि राजनांदगांव के लिए मतलब बस झांकी वहीं से यहाँ से जाती है, और भी यहाँ से जो झांकी जाती है मतलब इधर की जो झांकी है रायपुर भी जाती है, और छत्तीसगढ़ में पूरे डिवाइडेड है कहाँ कहाँ जाएंगे वो सब बात करेंगे। तो चलो अंदर मैं लेके चलता हूँ, अभी कैसी कैसी इस बार की झांकी मतलब बनने वाली है और बन के रेडी हो गई है, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, पूरी झांकी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इनका जो प्रलय आर्ट्स है, इनका मैं एक बार और आ चुका था इधर, बट उस समय जो है झांकी अच्छे से बना नहीं था। तो ये प्रलय आर्ट्स का मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ पहले, जो कैसे मतलब कौन कौन सी झांकी बनती है। गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, झांकी की रथ, सीमेंट और फाइबर मूर्ति, इस प्रकार के जो है झांकी यहाँ पर बनती है। ये है CRGB ब्रांच अंजोरा, शायद ये झांकी का है कि किसी और का चीज़ का है। तो और भैया से भी एक ठो बात हुई, तो कल ही के डेट में जो रायपुर के लिए एक ठो झांकी निकली, मतलब यहाँ से ले के गया, ट्रांसफ़र किया गया रायपुर के लिए। बाकी ये जो जितने भी अभी ये सब दिख रहे होंगे झांकी, ये सब राजनांदगांव के लिए रेडी हो रहे हैं। और इसका जो थीम है वो, तो फ्रेंड्स इस बार का जो थीम है राजनांदगांव में जो निकली थी वो मना किया, मतलब यहाँ के जो भैया लोग हैं वो मना किया, क्योंकि वो सस्पेंस है, तो सस्पेंस ही रहने देते हैं। बाकी जितना भी झांकी है अंदर में सब कुछ दिखाता हूँ। पीछे में देखो, पहले झांकी वो प्रोसेस काम ऐसा रहता है, अगर झांकी जैसे न्यू अपडेट करना होता हो तो उससे पहले सबसे पहले ये मूर्ति बनाते हैं मिट्टी का, मिट्टी के बाद फिर उसके बाद ये देन फाइबर, जैसे देखो ये जो फाइबर है उससे साँचे से लिया जाता है। ये पूछ लेते कैसे बनता है भैया, तो भैया से बात करते। भैया नमस्कार, क्या नाम भैया आपका? नरसिंह। क्या क्या? नरसिंह। नरसिंह, तो भैया झांकी सबसे बनाने कैसे बनता है इसका साँचा? पहले मिट्टी बनाया जाता है लिक्विड, ये जो मट्टी वाला हनुमान जी है ये का उससे से लिक्विड से। तो ये अभी क्या बन रहा है, ये गौरी बन रहा है। तो ये सब झांकी मतलब राजनांदगांव में जाएगा अभी। आपको कितना साल हो गया काम करते इधर? 4-5 सीजन। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। फ्रेंड जैसे अभी भैया से भी बात होगी, शायद मेरे ख्याल से वॉइस आपको भैया का समझ अच्छे से क्लियर सुनाई नहीं दिया होगा, क्योंकि बगल में जो है वेल्डिंग का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है प्रोसेस की, पहले मिट्टी से इसको बनाया जाता है, मिट्टी से देन बनाने के बाद जो ये आपको दिख रहा होगा ये साँचा, इसको लिक्विड डाल के साँचे से मतलब इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाकी फिर उसके बाद और भी जो रॉड वॉड है, जो हाथ पैर हीले, वो सब भैया करते हैं। बाकी गाड़ी बन रहा है, ये सब जो कि बड़े बड़े झांकी इसी में जाएंगे। सो फ्रेंड्स देखो, ये जो सामने से व्यू दिखा दे रहा हूँ, ये जो सामने इस टाइप में मतलब जो और भी ऐसे इसी टाइप में और भी आपको ये गाड़ी दिख रहा है, ये सब जाएगी राजनांदगांव गणेश चतुर्थी में। जो राजनांदगांव में निकलती है ना भव्य झांकी, तो यही सब यहाँ ये भैया के पास जाता है प्रलय आर्ट्स के पार्ट से। अभी भी जो है इसको रिकवर किया जा रहा है, बाकी कुछ पहले कोई और था उसमें कुछ और स्टैचू बनाया जा रहा है। जस्ट देखो कृष्ण जी है, ये कृष्ण जी की झांकी, इसको भी वही पहले जो मिट्टी से पहले बना देते हैं मूर्ति बनाने के बाद लिक्विड से इनको बनाते हैं। इधर भी जो है नरसिम्हा जी की झांकी बनाया जा रहा है। और इधर पास कोई माता है, उनको कोई पकड़ा गया तो उसको कागज़ से फोल्ड उल्ट किया, तो इसको भी अभी सब रिकवर हो रहे सब। तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, ऐसे में क्या क्या हो रहे हैं, और सब कपड़ा उपड़ा पहनेंगे फिर, जब अगर एक बार और जब मैं आऊँगा स्पेशल तब उस टाइम पूरा रेडी हो जाएंगे। जब गणेश चतुर्थी एक दो दिन बाद आऊँगा ना तब रेडी हो जाएंगे पूरा ये। बाकी तो इधर पास भी जो गाड़ी है इसमें भी झांकी एक अलग बना जाएगा, सब पेंट उंट हो रहे इधर।
मतलब इधर पूरा झांकी बना के पूरा रखी हुए, देखो हाथ है, पैर है, घोड़ा का साचा सब। इसको अगर रिकवर करना चाहेंगे तो फिर इधर रिकवर भी होगा, बाकी तो ऐसे ही रखा ही हुआ है ये। ये देखो फ्रेंड्स, ये भी जो गाड़ी है, राम मंदिर बनत, राम मंदिर का शायद, वो पीछे अलग अलग है दोनों, सामने गणेश जी है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, वो अलग है क्या ये? मतलब फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा और गणेश पूजा इसी टाइम में, मतलब यहाँ से जो झांकी जाती है, मतलब बहुत जैसे और भी कुछ फेस्टिवल हो गया, अम्बेडकर जयंती हो गया, या फिर और भी कोई मतलब जैसे सामाजिक रहता है तो उससे मतलब उसके लिए भी मतलब यहाँ से झांकी जाती है। ऐसे नहीं बस गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, या तो अभी जो रायपुर में झांकी गई है इनके पास की, वो कृष्ण जन्माष्टमी की गई है रायपुर में, कहाँ कोई गांव बताया है वहाँ पर मतलब गई है झांकी कृष्ण जन्माष्टमी की। ये वाला पीछे ये जो हनुमान जी आप 2022 वाले में देखे होगे, शायद दुर्गा पूजा में था ये वाला झांकी। और इनके पास की ये जो झांकी है सब जैसे गणेश चतुर्थी में पिछले बार सेक्टर 1 में देखे होगे, तो हॉरर वाला भी कुछ कुछ पार्ट यहीं से गया है। जैसे वो देखो आप पिछले सेक्टर 1 में देखे होगे कि वाला जो मशीन से जो पूरा इंसान को कैसे ले जाया जाता है, सेक्टर 1 में ये पिछले बार था ये, और गाय वाला भी था ये। ये सब सेक्टर 1 में पिछले साल पूरा बन चुका है, ये पूरे स्टॉक में रखे हुए यार इधर तो। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं ना देखा ही नहीं भाई। मैं एक समय मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं ऐसी सब कुछ आपको झांकी दिखा रहा था, पर वो मुझे भी लगा कि वो सब झांकी पार्ट है भाई। मतलब मैं एकदम अचानक से शौक में हो गया कि भाई देखो ऊपर में भी वानर है, पूरे हनुमान जी आ गए थे भाई ऊपर। मेरे को तो भाई अलग ही से एकदम झटका लग गया भाई, क्या है ऊपर मेरे को। मैं ऐसे ही एक बार मैं सोचा था कि ये भी सब स्टैचू है, बट भाई सही में देख रहा हूँ ना इधर पर हनुमान जी आके मतलब अपना कार्य देख रहे हैं। जय श्री राम। तो यहाँ पर वानर सेना लोग है, पूरा अपना कार्य देख रहे हैं, जो कि पूरे हनुमान जी के जितने भी झांकी बन रहे हैं सब वानर सेना देख रहे हैं कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। एकदम अचानक से देखा, एकदम शौक हो गया भाई ये कि अरे तो स्टैचू है फिर ये क्या हो गया। बाकी देखो पीछे में भी जो आप उधर उस तरफ लेके चलता हूँ आपको, ये सब महाशिवरात्रि का है, ये सब जितने भी आपको झांकी दिख रहे हैं ये हनुमान जी। बाकी तो इतना इधर भी जो हो रहा है कलर वलर हो रहा है, बाकी उस तरफ जो है कपड़े का वर्क हो रहा है। देखो जो ये इधर पास जो झांकी है ये सब राजनांदगांव में जाएगी, ये सब पूरे कागज़ से लपेटे हुए इसलिए ताकि ये सब पूरे मतलब हो गए कलर हो गया, कपड़ा उपड़ा पहन लिए तो इसलिए कागज़ से फोल्ड कर दिए ताकि जो डस्ट वस्ट है वो ना जा सके। तो ये सब आपको इस बार राजनांदगांव में ये सब झांकी देखने को मिलेगा ये सब। और ये गाड़ी भी है, ये भी रेडी हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 गाड़ी है, तो 6 गाड़ी पूरे राजनांदगांव जाएगी। देखो कपड़ा भी लगाया जा रहा है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से तो अभी मतलब इतना ही है, अभी और भी मतलब जैसे अगर गणेश चतुर्थी जब हो जाएगा मतलब एक दो फर्स्ट या सेकेंड डे, तो उस समय मैं आऊँगा। और उस समय जो है भैया भी बोले कि उस समय अच्छे से मतलब वीडियो बनाने लाइक मतलब झांकी बन के रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उस समय जो है राजनांदगांव के लिए निकल जाएगी झांकी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को भी मैं इतना ही रखता हूँ, आई होप पर तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और इस वीडियो का मैं बेस्ट मोमेंट लगेगा जब वो वानर जी आए थे, वानर सेना लोग थे, अचानक से देखा, तो वो बेस्ट मोमेंट लगा है मेरे को वीडियो का। तो मिलते हैं गाइस जब बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाक से। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।